महाभारत के समय की बात है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। प्रीक्वल को बीट करेगा सीक्वल। क्या डायरेक्टर मणिरत्नम हुए फेल? क्या पार्ट टू की शूटिंग हुई पूरी? क्या कहा राजा मौली ने मणिरत्नम के बारे में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। 23 सितंबर को रिलीज हुई डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म एक हिस्टोरिकल ड्रामा जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया और एक मल्टी स्टारर फिल्म ऑडियंस की नजरों में छा गई, जिसका नाम है पोन्नियिन सेल्वन। अब इस फिल्म में प्रकाश राज, ऐश्वर्या राय, विक्रम, त्रिशा कीर्ति ऐसे तगड़े स्टार हों और मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर हों तो फिर तो फिल्म हिट होगी ही। पर आपको ये भी पता होगा कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और 9 महीनों के अंदर ही ये पार्ट रिलीज किया जाएगा। मणिरत्नम का स्मार्ट प्ले, प्री प्लानिंग और उनकी एक्साइटमेंट को देखकर सभी लोग हैरान हैं, पर वो नहीं चाहते कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में ज्यादा गैप हो ताकि ऑडियंस फिल्म से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। आपको बता दें कि पोन्नियिन सेल्वन ये चोल एम्पायर है और उसकी राजगद्दी सत्ता पाने के लिए पॉलिटिक्स की कहानी है। और इस फिल्म में स्पाई कैरेक्टर का भी तड़का लगाया है जिसका किरदार निभाया है एक्टर कार्थी ने, पर अभी तक इस कहानी का अंत नहीं हुआ है और इसीलिए पार्ट 2 की जरूरत है। वैसे पार्ट 2 को लेकर ऑलरेडी शूटिंग हो चुकी है। एक इंटरव्यू के दौरान कास्ट ने बताया कि पार्ट 1 की शूटिंग करते वक्त ही उन्होंने पार्ट 2 के कुछ शॉट्स शूट किए हैं और इसके लिए उन्हें 155 दिन लगे थे। और इतना ही नहीं बल्कि मणिरत्नम ने यह भी तय किया है कि पार्ट 1 को बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो कुछ सीन्स शूट भी करवाएंगे या फिर सारा सीक्वेंस ही बदल देंगे। वैसे पार्ट 1 की कहानी खत्म नहीं हुई है, इसलिए पार्ट 2 अपने प्रीक्वल को बीट करेगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है और गलत होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन है। पार्ट 1 को देखकर कुछ लोगों का ये कहना है कि मणिरत्नम कहानी को और कैरेक्टर को प्रेजेंट करने में कई पीछे रह चुके हैं, कुछ कैरेक्टर को अनदेखा किया गया है और वो कैरेक्टर्स बिल्कुल फीके लग रहे हैं जो एक पावरफुल अंदाज में नजर आ सकते थे। तो अब इसके बाद ये हो सकता है कि पार्ट 2 में मणिरत्नम उन कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करते काफी ट्विस्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि वही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिख रहे हैं। इस फिल्म के दूसरे पार्ट में हम कुछ इस तरह की कहानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मंदाकिनी नाम की रानी पर थोड़ा और फोकस किया जाएगा। अब ये वही मंदाकिनी है जिसने कई बार अरुण मोजी की मदद की है। दूसरी ओर चोल साम्राज्य का राजा सुंदर चोल का बड़ा बेटा आदित्य करिकलन अभी कदमपुर फोर्ट पहुंचने वाला है, जिसने इस सस्पेंस भरी कहानी को एक अलग तड़का लगने वाला है। साथ ही चोल साम्राज्य की प्रिंसेस कुंथवई इसमें काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली है, मतलब अभी भी कहानी में रिवेंज, सस्पेंस और पॉलिटिक्स कूट कूट के भरा है। वैसे इस फिल्म को लेकर सब मीडिया वाले और ऑडियंस की नजर एक ही इंसान पर टिकी हुई थी जिनका नाम है SS राजामौली। पर राजामौली का इस पर एक एग्जिस्टिंग जवाब मिल चुका है। राजामौली ने बाहुबली वर्सेज पोन्नियिन सेल्वन और पोन्नियिन सेल्वन 2 कोई इग्नोर करते हुए मणिरत्नम की तारीफ की और कहा कि मणिरत्नम को बीट करना मुश्किल है, एक हिस्टोरिकल ड्रामा को लार्जर स्केल पे पेश करना बहुत मुश्किल है। साथ ही पार्ट 1 के रिलीज होने से पहले ही उन्होंने पार्ट 2 की अनाउंसमेंट की। ये तो हैरानी वाली बात हुई क्योंकि इतना तो मैं भी नहीं सोच पाया, मतलब वो काफी दूर की सोचते हैं। 9 महीनों में इतनी बड़ी फिल्म को बड़े लेवल पर ऑडियंस के सामने पेश करना मुश्किल है। देखा आपने, राजामौली ने तारीफ ही की है और वो नहीं चाहते कि बाहुबली और पोन्नियिन सेल्वन में कोई कंपैरिजन हो क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं। वैसे अगर रीशूटिंग करवाई गई तो कुछ हद तक बजट में बदलाव हो सकते हैं। जिस तरह से पार्ट 1 के लिए 500 करोड़ का बजट तय किया गया था उसमें थोड़ी बहुत रकम बढ़ भी सकती है। तो क्या आपने पोन्नियिन सेल्वन देखी है और क्या आप एक्साइटेड हैं पोन्नियिन सेल्वन 2 के लिए? बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।